अस्सलाम वालेकुम। तो आज जनाब ये बीच पे चलेंगे, प्रेस्टेटन बीच जो पाउंटेन पार्क के सामने, ये पाउंटेन पार्क है, ये बीच है। यहाँ पे एक छोटा सा रिवर भी जा रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे। अभी चलते हैं टूवर्ड्स बीच। आप देख रहे हैं कि लोग साइकिलिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे, वो सामने डॉग वॉक भी हो रही है, और कुछ मेरी तरह के हैं जिनके पास ना डॉग है ना साइकिल है, तो पैदल मार्च, व्हाई नॉट डू व्हाट एवर यू लाइक। सो आई लाइक वॉकिंग विच इज़ हॉबी फॉर मी, व्हेनेवर आई गेट अ चांस आई डू वॉक। अभी नज़दीक पहुंचने वाले हैं और इतना विंडी भी नहीं है आज, सनशाइन है प्रॉपर प्रॉपर प्रॉपर, वेरी गुड डे। वो सामने छोटा सा कार पार्क है और उसके दूसरी तरफ ये कार पार्क, वो बीच का ही है, प्रेस्टेटन बीच। ये सामने बीचेस होटल है और ये कार पार्क पॉन्टिन्स की है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी दूर है पॉन्टिन फ्रॉम द बीच। ये पॉन्टिन्स की कार पार्क है, ऑब्वियसली एंट्रेंस उधर है, थोड़ी दूर है, लेकिन ये फेंस लगा हुआ है, फेंस के पीछे पॉन्टिन्स है, बीचेस होटल है, और मैं इधर हूँ, और ये प्रेस्टेटन सेलिंग क्लब। और देख सकते हैं ये सामने, एंड वी आर ऑन द बीच, दैट्स इट, हार्डली 5 मिनट्स, इवन लेस देन 5 मिनट्स वॉक फ्रॉम द मेन गेट, फ्रॉम द मेन गेट। सो ये छोटी सी, यहाँ पे भी कार पार्किंग है, और सामने आप देख सकते हैं समंदर है, एंड अगेन विंड टर्बाइन्स माइल्स एंड माइल्स अवे। आप इधर देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं, जिधर नजर जाए विंड टर्बाइन्स लगी हुई हैं। हाँ देख लें, देयर यू गो, प्रेस्टेटन बीच ऑल द वे। आइसक्रीम वैन एज इट ऑलवेज एवरी बीच, ये हर जगह होती है, लेकिन आज नहीं, आज नहीं हो सकता, रोज़ा भाई चले आफ्टर रमदान, फिर कभी सही। सनशाइन है जबरदस्त, गेजी बीचेस होटल फ्रंट साइड बीच फ्रंट, जबरदस्त लोकेशन पे है ये, रिफर्ब कर रहे हैं इसको, ये साइड कंप्लीट है, जबरदस्त व्यू है इसका, ये देखें सामने ही बीच है।
यहाँ से रेल ज़्यादा दूर नहीं है, वो सामने है। यहाँ से चार माइल है रेल्स, वहाँ पे भी अच्छी बीच है, लेकिन मैं ये प्रेफर करूँगा, ये थोड़ी क्वाइट है और क्लीन भी है, नाइस है, लोकेशन इसकी अच्छी है, पानी भी साफ है। सो तो ये है जी प्रेस्टेटन बीच, मौसम ठंडा नहीं है, नाइस वेदर, पानी बहुत ठंडा है, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, मौसम अच्छा है। प्रेस्टेटन बीच जी, मौसम तो ठंडा नहीं है, पानी बहुत ठंडा है। गो ऑन, विच वन यू लाइक, विच वन, एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव वन स्प्रिंकल वन, या 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 have it. You want sauce? There you go, man. Cheers. Thank you. Thank you. Let's go. Look here. Okay, carry on. So, जी जनाब, ये तकरीबन 20 फुट पानी दूर था, अभी ये किनारे पे आ गया, तो हमें बाहर आना पड़ा, काफ़ी शैलो है, हल्की हल्की फुल्की हो रही है, ठंड लग रही है। अभी यहाँ से निकलते हैं और एक और बीच है जस्ट बाय, नॉट फार, आई थिंक लेस देन अ माइल उस तरफ, तो उधर चलते हैं, तो वहाँ से कुछ वीडियो कैप्चर करते हैं, वहाँ पानी देखते हैं क्या था। देखें जी, यहाँ के सीगल भी आइसक्रीम खाते हैं। Not only fish and chips, even ice cream as well. तो ये है जी छोटा सा दरिया, ये जो सीधा समंदर में जा रहा है, ये बिल्कुल पॉन्टिन के सामने ही है, प्रेस्टेटन पॉन्टिन, और वो ऊपर जो टावर आपको नज़र आ रहा है, वो ये सामने
यहाँ पे हमने वीडियो कल बनाई थी, और वो रोड ऊपर से नीचे आ रही है, वहाँ पे छोटा सा कार पार्क है जहाँ से ज़बरदस्त व्यू है, और हिलसा गार्डन भी उसी के रास्ते में आता है। तो चलते हैं आगे टूवर्ड्स द बीच। यहाँ पे दो बीच हैं, एक इधर है प्रेस्टन बीच और एक उस तरफ है, तो कोशिश करूँगा कि दोनों कैप्चर करें और आपके साथ शेयर करें। ये सामने पोर्टिंस पार्क है। जैसा कि पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ, ये लोकेशन वाइज बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पे बेशुमार जगह हैं नॉर्थ फेल्स की ना, जो कि आप एक वीक में कवर नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा जगह हैं और सभी ज़बरदस्त हैं, अच्छी हैं। ये गोल्फ कोर्स से सामने ही है बिल्कुल, ये सामने गोल्फ कोर्स है जो कि राइट इन फ्रंट ऑफ पॉन्टेंस, ये पॉन्टेंस है, ये गोल्फ कोर्स है। सो ये सहूलत भी है, अगर गोल्फ के शौकीन हैं तो यहाँ पे आके गोल्फ खेल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अभी थोड़ी वॉक है, आई थिंक 10 मिनट्स। सामने तो बीच है लेकिन रास्ता गोल्फ के अंदर से जाने की ज़रूरत नहीं है, ये ट्रैक बना हुआ, ट्रैक पे चलते हैं, तो वो सामने रास्ता बना हुआ बीच पे जाने के लिए। ऐसे है तो ये सामने बिल्कुल, और दूसरे वाली उस तरफ है, शायद हाफ ए माइल हो उस तरफ, लेकिन ये इस छोटी सी पहाड़ी के पीछे है, यहाँ पे जो है। ये छोटा सा ब्रिज बना हुआ है रिवर पे, और ये थॉमस हारलैंड उसका नाम लिखा हुआ, शायद उसकी याद में बनाया गया यहाँ पे। अभी हम चलते हैं दूसरी साइड पे, उधर एक और बीच है, तो देखते हैं कि वहाँ पे कैसा है। ये लोग यहाँ पे जिस तरह हमारे टर्किश में वो एक ट्रेंड है कि लोग सदका जारिया के लिए पानी की सबीलें लगाते थे, तो यहाँ पे बेंच लगाते हैं। ये मुख्तलिफ अतराफ से पानी आ रहा है इसमें। हाँ, मैं बता रहा था कि यहाँ पे लोगों की याद में बेंच लगाते हैं, आई वुड से एज ए सदका जा रही है, लोग बैठते हैं, आराम करते हैं, पिकनिक करते हैं, व्हाट्सएवर, अपना अपना अंदाज़ है भाई, हमारा अपना अंदाज़ है, हमारे सदका जा रही है कि डिफरेंट, जो कि ऑब्वियसली हमारे मजहबी लिहाज से हैं, हम वही करते हैं, ये अपने अंदाज में करते हैं, सो विच इज़ ओके, दैट्स गुड। ये जैसा कि मैंने पहले ज़िक्र किया हुआ, ये बेंच लगाए हुए लोगों ने, आई थिंक वो डोनेट करते हैं, इसमें गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं है, कोई भी डोनेट कर सकता है अपने किसी फैमिली मेंबर के नाम, उसकी मेमोरीज़ में, और लोग बैठते हैं और दुआएं देते होंगे। खूबसूरत, ये देखें पत्थरों के साथ इसने डेकोरेशन की हुई है, शेल रखे हैं, सी शेल्स, ये देखें और चेयर देखें, बड़ी नायाब लकड़ों की बनी हुई, ये देखें, ये टर्टल देखें, और ये उसके आगे ग्लास रखा हुआ और मिरर है लाइक ए वाटर, ये देखें।
छोटा सा नाइस बंगलो है। ये इनका गार्डन देखें, और ये देखें, ये पूरा फार्म बनाया हुआ है, डेयरी फार्म। हॉर्सेस भी हैं, काउ भी है, फ्लेमिंगो, शीप्स, इवन स्केलेटन भी पड़ा है, ह्यूमन स्केलेटन। और अंदर विंडो के अंदर भी बेशमार रखे हुए हैं, नाइस है। और ये देखें, डॉग वाटर बकेट रखी है। तो भाई देयर इज नो मैच, जबरदस्त है। उधर एक फार्म है, हॉर्सेस है वहां पर। ये भी जिसका मैंने जिक्र किया, ये लगा हुआ गार्डन में। ये आप क्लॉक देखें, ये सूरज की रोशनी जैसे पड़ती है, उसका शेडो जिधर जाता है, ये शेडो है नीचे, विच सेज नीली 2 o'clock। सो इधर चेक करें एग्जैक्ट टाइम है। तो बैक इन डेज, सैकड़ों साल पहले ये यूज़ करते थे, अभी भी रखा हुआ है ना, नाइस चीज़। ट्रेडिशंस को इन्होंने संभाला हुआ, हमने बुला दिया। ये देखिए कश्ती रखी है छोटी सी, नाइस बंगलो। गार्डन बहुत खूबसूरती से मेंटेन किए हुए हैं अपने अपने अंदाज में। ये देखें, हालांकि ये सी फ्रंट है, फिर भी कारवां रखे हुए हैं, शौकीन मिजाज लोग हैं। ये देखें,